मध्य प्रदेश की ओर ले चलते हैं, जहां रीवा में तेजी से बढ़ रहा है कोविड-19 का संक्रमण। रीवा में नहीं है ऑक्सीजन की कमी। रीवा जिले में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों के बीच आज मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी एमएल गुप्ता ने बताया कि पिछले हफ्ते की अपेक्षा इस हफ्ते कोरोना के मामलों में 2 गुना वृद्धि हुई है। मीडिया को जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि पिछले हफ्ते जहां रीवा में कोविड-19 का पॉजिटिविटी रेट 11% के आसपास था, वहीं इस हफ्ते यह रेट बढ़कर 25% हो चुका है। यानी कि 100 सैंपलों की जांचों में लगभग 25 मरीजों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है। एक ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि रीवा जिले में कोरोना संक्रमण की स्थिति क्या है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा है कि जिले में किसी तरह की ऑक्सीजन और बेड की कमी नहीं है। इसके साथ ही लगभग 50 बेड का कोविड केयर सेंटर भी बनाया गया है। इस बीच उन्होंने टीकाकरण पर बात करते हुए कहा कि जिले भर में अब तक लगभग 3.25 लाख लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। वहीं 1 मई से 18 वर्ष की आयु तक के लोगों को टीका लगना है। आशा है कि अब टीकाकरण के कार्य में और तेजी आएगी। इसके साथ ही उन्होंने आम लोगों से अपील करते हुए कहा है कि इस कोरोना कर्फ्यू को वह स्वयं से कर्फ्यू मान ले और बेवजह घरों से ना निकले, ताकि कोरोना का संक्रमण की चैन टूट सके। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज के लिए रोहित पाटिल की खास रिपोर्ट। इस समय पॉजिटिविटी जो रेट है कोरोना की, पिछले हफ्ते हमारी 11% थी, इस हफ्ते हमारी 25% आ गई। मतलब 1000 टेस्ट में 250 पॉजिटिव आते हैं। हम लोग कम से कम 1300-1400 टेस्ट पर डे कर रहे हैं, उस हिसाब से 25% की पॉजिटिविटी रेट आ रही है हमारे यहाँ। नहीं, ऑक्सीजन की कमी नहीं है हमारे यहाँ, बेड की कमी नहीं है, और बेड की भी कमी नहीं है, और हमारा कोविड केयर सेंटर भी तैयार है 50 बेड का। तो जिन लोग को घर में अगर होम आइसोलेशन में सुविधा नहीं है, तो उनके लिए कोविड केयर सेंटर भी बना हुआ है, उसमें भी हमारे पास पर्याप्त जगह भी है। तो हमारे यहाँ किसी तरह की अभी दिक्कत नहीं है। 45 नहीं, टीके तो लोग लगवा रहे हैं, और 2,77,000 के करीब हमारे यहाँ टीकाकरण हो चुका है। 1 मई से हमारे यहाँ 18 वर्ष से ऊपर वालों को भी टीकाकरण होना है, तो उसमें हमारा टीकाकरण बढ़ेगा। हाँ, मैं आम नागरिकों से कहूँगा कि इस कोरोना कर्फ्यू को वो सेल्फ कर्फ्यू बना लें, अपना कर्फ्यू बना लें, खुद ही घर से बाहर ना निकलें, डिस्टेंसिंग बना के रखें, अनावश्यक रूप से बाहर ना घूमें, मास्क का बिल्कुल बराबर उपयोग करें, और हाथ को सैनिटाइज करते रहें या कि धोते रहें।